हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। फ्रेंड्स, मुझे आशा है कि आप सभी लोग ठीक हैं। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर साइट के बारे में, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बारे में। फ्रेंड्स, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, वो एक ऐसा साइट है जिससे आप, जहां से आप काम भी कर सकते हैं, जहां से आप कोई चीज शेयर भी कर सकते हैं, और जिस जगह से आप, जिस प्लेटफॉर्म से आप किसी से काम करवा भी सकते हैं। फ्रेंड्स, वो है, उसका नाम है लिंक्डइन। उसका नाम है लिंक्डइन। फ्रेंड्स, लिंक्डइन एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, लेकिन दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है। ये एक प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म है, प्रोफेशनल साइट है। इसके अंदर आप अकाउंट बनाने के बाद आप एज ए वर्कर काम भी कर सकते हैं और किसी से आप काम करवा भी सकते हैं। कैसे कि जैसे आप कोई काम करना चाहते हैं ऑनलाइन, जैसे टाइपिंग वर्क, डेटा एंट्री वर्क, या ऑनलाइन मार्केटिंग, एफिलिएट मार्केटिंग, फेसबुक मार्केटिंग, इसी तरह से ई कॉमर्स एंड रिटेल, इसी तरह से ऑनलाइन जो भी काम है, जिस भी कैटेगरीज को, जिस जो भी स्किल आपके अंदर है, जो भी स्किल आपने सीख रखा है, उन स्किल के तहत, उन इंडस्ट्रीज के तहत अगर आप काम करना चाहते हैं तो आप लिंक्डइन के अंदर ज्वाइन हो जाइए। लिंक्डइन के अंदर आप अपना प्रोफाइल बना लीजिए। क्यों? क्योंकि लिंक्डइन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, एक ऐसा साइट है जहां से आप काम भी कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऑनलाइन बहुत सारा काम है तो आप किसी को हायर करके किसी से आप काम करवा भी सकते हैं। यहाँ पे आपको वर्कर भी मिलेगा और आप ऐसे वर्कर खुद काम भी कर सकते हैं। और इसके अंदर बहुत सारी और फीचर हैं और विशेषताएं हैं जिनको आप जानेंगे जब आप इसको यूज करेंगे, जब आप इसके अंदर अकाउंट बनाएंगे, अकाउंट क्रिएट करेंगे। फ्रेंड्स, इसके अंदर ज्यादातर लोग, लिंक्डइन के अंदर ज्यादातर लोग जो प्रोफेशनल लोग हैं वो लोग इस साइट को यूज करते हैं। जिनके पास बहुत बड़े बड़े बिजनेस हैं, बहुत बड़ा ब्रांड है, बहुत ज्यादा काम है, बहुत ज्यादा जो है प्रोफेशनल लोग हैं, वो लोग इसको यूज करते हैं, वो लोग इसका फायदा उठाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्री में उन्हें बहुत आसानी से जो है काम करने वाला और काम कराने वाला मिल जाता है, जिसकी वजह से ये साइट बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लोग यूज करते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप लिंक्डइन के अंदर कैसे अकाउंट बनाएंगे, लिंक्डइन के अंदर कैसे ज्वाइन होंगे, और लिंक्डइन के अंदर आप प्रोफाइल क्रिएट करके आप एज ए वर्कर या आप किसी और को अपना काम करा के कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, कैसे आप अर्निंग कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं और आपको बताते हैं मोबाइल स्क्रीन के ऊपर। तो फ्रेंड्स, लिंक्डइन के अंदर एक प्रोफेशनल अकाउंट बनाने के लिए, एक अपनी प्रोफेशनल प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए आपको लिंक्डइन एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। यह है लिंक्डइन का ऐप, इसका लोगो। फ्रेंड्स, इसे आप ओपन कर लेंगे, मैं इसे ओपन कर लेता हूं। ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, आपके सामने ये देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पेज आपके सामने ओपन हो गया। यहां पर आप देखिए आपके सामने क्या क्या ऑप्शन है। आप जो है लिंक्डइन के अंदर ज्वाइन हो सकते हैं, लिंक्डइन के अंदर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं गूगल के थ्रू। गूगल ज्वाइंट विद गूगल के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल पे जितने भी गूगल अकाउंट रजिस्टर्ड है, गूगल अकाउंट साइन इन है, वो सारे आपके सामने शो करेगा। आप किसी से भी जो है ना अपना लिंक्डइन अकाउंट लिंक करके क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पे देखिए ज्वाइन नाउ का ऑप्शन है। किसी और दूसरे ऑप्शन से अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं, लिंक्डइन के अंदर अकाउंट बनाना चाहते हैं, तो ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, यहां पर नीचे देखिए ऑलरेडी हैव एन अकाउंट टू लॉग इन। अगर आपका कोई अकाउंट ऑलरेडी है पहले से लिंक्डइन के अंदर, आपने कोई प्रोफाइल बना रखा है, कोई प्रोफाइल आपने क्रिएट कर रखा है, तो आप नीचे वाले जो ऑप्शन है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट साइन इन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और आप अपने अकाउंट पे साइन इन हो जाएंगे। आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल पे साइन इन हो सकते हैं, लॉगिन हो सकते हैं। मैं आज आपको न्यू अकाउंट क्रिएट करना सिखाऊंगा कि लिंक्डइन के अंदर आप नया प्रोफाइल कैसे बनाएंगे, लिंक्डइन के अंदर आप अपना न्यू आईडी, नया अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। तो इसके लिए फ्रेंड्स, यहां पे देखिए ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे आप। यहां पे जो लिखा है ज्वाइन नाउ, आप ज्वाइन नाउ के ऊपर क्लिक करेंगे। ज्वाइन नाउ के ऊपर जो ही प्रेस करेंगे फ्रेंड्स, ये विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहां पे भी आपको वही सारी चीज दिखने को मिलेगा। यहां पे साइन इन हो सकते हैं यहां से। उसके बाद फ्रेंड्स, अगर आप गूगल के थ्रू ज्वाइन होना चाहते हैं, गूगल के थ्रू अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं, तो ज्वाइन विद गूगल इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे।
उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यहां पे दिखा दूं, सबसे पहले यहां पे आपको नाम इंटर करना है, फर्स्ट नेम, यहां पे लास्ट नेम, और यहां पे आप अपना ईमेल आईडी या फोन नंबर, और यहां पे आप जो है अपना पासवर्ड कम से कम 6 कैरेक्टर्स का, 6 वर्ड का। तो फ्रेंड्स मैं अपना पहले फर्स्ट नेम एंटर कर देता हूं, आप भी अपना फर्स्ट नेम पहले एंटर कर दीजिए, उसके बाद आप लास्ट नेम भी एंटर कर दीजिए। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंटर करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे ईमेल और फोन, अगर आप ईमेल के थ्रू बनाना चाहते हो तो ईमेल आईडी यहां पे एंटर करेंगे, और अगर आप फोन नंबर से बनाना चाहते हैं तो फोन नंबर एंटर करेंगे। तो मैं ईमेल आईडी से बनाना चाहता हूं, इसलिए मैं क्या करूंगा, ईमेल आईडी यहां पर फिलअप कर दूंगा। ये मैंने अपना ईमेल आईडी इंटर कर दिया, फिलअप कर दिया, उसके बाद आपको यहां पे पासवर्ड एक क्रिएट कर लेना है, एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड आप यहां पे बना लेंगे फ्रेंड्स। ये मैंने अपना पासवर्ड भी इंटर कर दिया, अपना पासवर्ड भी मैं लिंक्डइन अकाउंट के लिए क्रिएट कर लिया। अब आपको करना है क्या फ्रेंड्स, यहां पे देखिए एग्री एंड ज्वाइन, यहां पे आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। लास्ट में सब चीज एंटर करने के बाद मैं एग्री एंड ज्वाइन के ऊपर क्लिक कर दिया। ये देखिए लोडिंग हो रहा है, आप थोड़ा वेट करें। यहां पे लिखा है लेट्स डू यू क्विक सिक्योरिटी चेक, आप फ्रेंड्स थोड़ा सा वेट कर सकते हैं यहां पे। अब आप यहां पे देखिए फ्रेंड्स, यहां पे आपको क्या करना है, यहां पे लिखा आई एम नॉट रोबोट, तो फ्रेंड्स ये जो आइकॉन दिख रहा है आपको ना, इसके ऊपर आपको ये इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ये देखिए मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया, आपको भी इसके ऊपर आई एम नॉट रोबोट के ऊपर प्रेस कर देना है। ये लोडिंग हो रहा है, आप क्या आप रोबोट है या नहीं, तो आप आई एम नॉट रोबोट के ऊपर क्या कर देंगे, प्रेस कर देंगे। यहां पे जो है ना आपसे कुछ सिक्योरिटी क्वेश्चन के लिए आपसे यहां पे बोल रहा है कि यहां पे देखिए लिखा है सेलेक्ट ऑल इमेज विद क्रॉस वॉक, यानी उन सारे इमेज को आप यहां पे सेलेक्ट कीजिए जो क्या है क्रॉसिंग होता है, जो क्रॉस यानी टर्निंग पॉइंट वाला यहां पे जो फोटोज है उसको आप यहां पे सेलेक्ट कर लीजिए। तो मैं सेलेक्ट कर लेता हूं जो जो है सही से देख के, आपको जो है ना यहां पे जो सवाल पूछेगा आपसे, जो क्वेश्चन करेगा वो क्वेश्चन सही से पढ़ के फिर आपको यहां पे उसके ऊपर क्लिक करना है। तो जैसे ये वाला है, उसके बाद जो है ये वाला है, ये वाला है, और फ्रेंड्स उसके बाद जो है ये वाला है, मैंने सारे को सिलेक्ट कर लिया जो जो है अपने अंदाजे हिसाब से। अब मैं देखिए यहां पे लिखा वेरीफाई, इस वेरीफाई के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, वेरीफाई के ऊपर मैंने प्रेस कर दिया, अगर सही होगा तो अगला पेज ओपन हो जाए, वो गलत हो गया था, यहां पे लिखा है पल्म ट्रीज। अब आप वो मेरा जो क्वेश्चन मेरे से पूछा वो गलत हो गया, यहां पर मेरे से पूछ रहा है दूसरा सवाल के सिलेक्ट ऑल इमेज विद पल्म ट्रीज, यानी जो पल्म वेर का पेड़ है जिस जिसमें उसको आपको यहां पे सिलेक्ट करना है। मैं सिलेक्ट कर लिया फ्रेंड्स, वेरीफाई के ऊपर क्लिक कर दिया। फ्रेंड्स देखिए फिर से रॉन्ग हो गया, फिर से गलत हो गया। इस तरह से अगर आप 3 बार गलत करेंगे, जो सिक्योरिटी क्वेश्चन पूछेगा आप 3 बार जॉब नहीं दे पाएंगे, तो जो नेक्स्ट बार पेज आएगा उस पेज में देखिए स्किप का ऑप्शन है यहाँ पे नीचे, देखिए आप स्किप, आप इस पेज को क्या कर सकते हैं, स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। पहले इस जगह में वेरीफाई का ऑप्शन आ रहा था, ये आपका जो है अकाउंट क्रिएट होना शुरू हो गया। अब आपको यहाँ पे करना क्या फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको अपना प्रोफाइल सेटअप करना है, जो भी आप जिस तरह से भी आप सेटअप करना चाहते हैं आप यहां पे सेटअप कर लेंगे फ्रेंड्स। यहां पे देखिए ऑप्शन है आई एम अ स्टूडेंट, अगर आप इसको क्या कर देंगे, ये नो है अभी ऑन कर देंगे, तो जो है देखिए मैं करता हूं ये ऑन कर देंगे, तो यहां पे देखिए आपसे क्या पूछ रहा है, यूनिवर्सिटी और स्कूल, यानी आप स्टूडेंट हैं तो स्कूल के स्टूडेंट हैं या यूनिवर्सिटी के, आपका यहां पे डिग्री इंटर करना है, यहां पे आपका स्टार्ट ईयर और यहां पे आपको एंड ईयर, यानी जो भी आप डिग्री कर रहे हैं वो किस साल में आपने यहां पे शुरू किया और ये किस साल में खत्म होगा या खत्म हुआ। तो फ्रेंड्स यहां पे अगर आप इसको नो कर देते हैं तो यहां पे देखिए मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल और यहां पे देखिए मोस्ट रिसेंट कंपनी, यानी आप क्या काम करते हैं और आपके काम का क्या टाइटल है, उसके बाद आप कौन सी कंपनी में काम करते हैं वो नीचे आपको एंटर करना है। तो फ्रेंड्स मैं जो है यहां पर लिख देता हूं मोस्ट रिसेंट जॉब टाइटल,
मैं यहां पर लिख देता हूं क्या, टीचर। यहां पे टीचर मैंने फिल्म फिलअप कर दिया। टीचर फिलअप करने के बाद करेंगे क्या, यहां पे बहुत सारा टीचर का भी वो टीचर का भी यहां पे जो है ना बहुत सारा ऑप्शन है कि आप कौन सी कैटेगरीज के टीचर हैं, इंग्लिश टीचर हैं, टीचर असिस्टेंट हैं और स्पेशल एजुकेशन टीचर है, क्या है क्या नहीं है, साइंस टीचर है, तो बहुत सारा ऑप्शन है यहां पे आप देख सकते हैं। तो यहां पे नीचे सबसे नीचे आप देखिए ओनली टीचर, अगर आप हैं कुछ भी नहीं सिलेक्ट करना चाहते हैं, ओनली टीचर करना चाहते हैं तो यहां पे देखिए सबसे नीचे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे, यहां पे हो गया। उसके बाद फ्रेंड्स यहां पे मोस्ट रिसेंट कंपनी, यानी आप जिस भी कंपनी के अंदर या जिस भी जगह के अंदर पढ़ाते हैं उसके आप जो है नाम एंटर कर देंगे। तो मैं एंटर कर देता हूं कोई सा भी सिंपल सा, ये मैंने एंटर कर दिया। अब जो है फ्रेंड्स यहां पे देखिए, उसके बाद यहां पे आपसे पूछ रहा है व्हाट इंडस्ट्री, यानी जो कंपनी के अंदर आप पढ़ाते हैं वो उसका इंडस्ट्रीज क्या है, तो आप यहां पे फिलअप कर देंगे। यानी कि इंडस्ट्रीज का मतलब है इंडस्ट्री आपका क्या है, इंडस्ट्रीज का मतलब है कि आप अकाउंट के अकाउंटिंग करते हैं या एयरलाइंस के अंदर जॉब करते हैं, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है या क्या है, एनिमेशन है, अपैरल एंड फैशन है, बिजनेसमैन है, क्या है, तो जो भी चीजें हैं आप यहां पे जो है ना आप अपना जो है हिसाब से यहां पे सिलेक्ट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स मैं जो है एजुकेशन मैनेजमेंट है यहां पे, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूं, लेकिन फिर भी मैं ऊपर से नीचे देख लेता हूं एक बार। बहुत सारा इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, इंडिविजुअल एंड फैमिली सर्विस, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ये सारी चीजें हैं, आप इनमें से सही से देख के जो भी आपका इंडस्ट्रीज है वो आप जो है फिलअप कर लेंगे। तो मैं अपना इंडस्ट्रीज फिलअप कर लेता हूं। यहां पे आप राइटिंग एंड एडिटिंग भी है, इसको भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो है स्पोर्ट्स है, रिटेल है, रिसर्च है, रियल एस्टेट है, पब्लिशिंग है, पब्लिक पॉलिसी है, प्रिंटिंग है, प्लास्टिक्स, पेपर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स, ऑनलाइन मीडिया, ऑयल एंड एनर्जी, म्यूजिक, तो ये सारी चीजें हैं जो आप जो अपने हिसाब से, मीडिया प्रोडक्शन, मेडिकल डिवाइस, अपने हिसाब से आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं एक सही से सिलेक्ट कर लेता हूं फ्रेंड्स, ये हायर एजुकेशन और ग्राफिक हायर एजुकेशन, इंटर हायर एजुकेशन सिलेक्ट कर लिया मैंने, हायर एजुकेशन मैंने क्या कर लिया सिलेक्ट कर लिया, आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है, ये नेक्स्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे, नेक्स्ट के ऊपर मैंने प्रेस कर दिया। अब नेक्स्ट के ऊपर प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे देखिए व्हाट्स योर लोकेशन, यानी आपका लोकेशन क्या है, अगर आप अपने लोकेशन को ऑन रखना चाहते हैं तो यहां पे जो देखिए कंटिन्यू है, कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे, यहां पे मेरा लोकेशन आ गया। और अगर आप स्किप करना चाहते हैं तो आप स्किप क्यों भी कर सकते हैं, यहां पे देखिए स्किप का बटन है, तो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स यहां पे आप अपना एक प्रोफाइल फोटो लगा सकते हैं, ये देखिए ये प्रोफाइल फोटो का आइकॉन है, कैमरा जो है, आप अपना फोटो लगाने के लिए ये आप फोटो के ऊपर क्लिक कर सकते हैं, नहीं तो आप इस कैमरे के ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। अगर नहीं लगाना चाहते अभी तो आप स्किप फॉर नाउ, यानी अभी के लिए आप स्किप कर देंगे, इस वाले पे फॉर्म को छोड़ देंगे, बाद में लगाना चाहेंगे तो बाद में भी लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं अभी जो है स्किप कर देता हूं, बाद में मैं लगाऊंगा, आप लगाना चाहते तो ऐड अ फोटो के ऊपर क्लिक करके लगा सकते हैं। मैं नहीं लगाना चाहता इसलिए स्किप फॉर नाउ के ऊपर क्लिक करके ये वाला पेज आ गया। अब यहां पे देखिए ऑलमोस्ट डन, यानी कि सब कुछ तकरीबन जो है डन हो गया। अब करना क्या आपको फ्रेंड्स कि लेट्स कंफर्म योर ईमेल, यानी आपके ईमेल पे एक मैसेज गया ओटीपी का, आपको करना क्या है उस जो एक्टिवेशन लिंक है आपके ईमेल पे, जो एक्टिवेशन लिंक गया उसके ऊपर आपको प्रेस करना है, क्लिक करना है आपको जीमेल अकाउंट के अंदर जाके, और जिस ईमेल आईडी को आपने यहां पे फिलअप किया उस ईमेल आईडी पे, उस ईमेल एड्रेस पे वो जो लिंक गया उसके ऊपर क्लिक करके आप अपने लिंक्डइन अकाउंट को एक्टिवेट कर लेंगे, आप अपने लिंक्डइन प्रोफाइल को वेरीफाई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स गो टू माय, अगर आप यहीं से डायरेक्ट जाना चाहते हैं तो गो टू माय ईमेल, यहां से भी आप जा सकते हैं जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, नहीं तो आप बैक जाके भी जा सकते हैं। जैसे मैं गो टू माय ईमेल के ऊपर क्लिक करा, देखिए डायरेक्ट मैं क्या हो गया अपने ईमेल आईडी पे आ गया, जो मेरा ईमेल आईडी में इससे साइन इन हूं वही यहां पे देखिए यहां पे लिखा है सबसे फ्रेंड्स सोशल है,
ऑप्शन है, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। आपको किसी भी जगह में, किसी भी जगह में आपको वो मैसेज जो आपके ईमेल आईडी में आएगा वो किसी भी जगह में हो सकता है, आप अपने ईमेल आईडी में सही से ढूंढ लेंगे। सोशल एक प्रोफाइल होता है, सोशल एक फाइल होता है ईमेल के अंदर, सोशल मीडिया के अंतर्गत, सोशल मीडिया के रिगार्डिंग कोई भी मैसेज आपकी इस सोशल फाइल के अंदर ही आता है। ये देखिए लिंक्डइन मैसेज यहाँ पे, अब इसके ऊपर मैं प्रेस करूंगा, आप उस मैसेज के ऊपर ओपन करेंगे, उस मैसेज को ओपन कर लेंगे, उसके ऊपर क्लिक करके अब यहां पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहां पे लिखा भी है फरीद प्लीज कंफर्म योर ईमेल एड्रेस। ये देखिए यहां पे लिखा है, यानी आपको अपना ईमेल एड्रेस कंफर्म करना है कि आप ही हैं इस ईमेल एड्रेस वाले या कोई और है। तो ईमेल एड्रेस कंफर्म करने के लिए यहां पे देखिए लिखा है कंफर्म योर ईमेल एड्रेस, ये जो आपको ऑरेंज कलर का, ये जो पीला कलर का ये ऑप्शन दिख रहा है, आपको इसी के ऊपर क्लिक करना है। तो मैं क्या करूंगा, इसी के ऊपर प्रेस कर दिया। अब यहां पे देखिए आपके सामने ऑप्शन आ गया, आप लिंक्डइन के माध्यम से, लिंक्डइन के थ्रू आप जो है कंफर्म करना चाहते हैं या क्रोम के थ्रू। तो मैं लिंक्डइन के माध्यम से, लिंक्डइन के थ्रू करना चाहता हूं, लिंक्डइन के ऊपर क्लिक कर दिया। अब जस्ट वंस के ऊपर मैंने प्रेस कर दूंगा, ये देखिए फ्रेंड्स यहां पे आ गया। आप देख सकते हैं कि जो है आपका ईमेल एड्रेस जो है कंफर्म सक्सेसफुली हो गया। आर यू लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब, यहां पे एक ऑप्शन है, अगर आप न्यू जॉब सर्च करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, यस के ऊपर क्लिक करेंगे, नहीं करना चाहते तो आप नोट डाउन कर देंगे। मैं यस कर दूंगा, इसलिए यस के ऊपर प्रेस कर दिया। अब यस के ऊपर प्रेस करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर देखिए बहुत सारा ऑप्शन है, आप जो है इसको क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे, स्किप है ये वाला, स्किप, स्किप के ऊपर क्लिक कर देंगे। स्किप के ऊपर क्लिक करते ही आपका जो अकाउंट है सक्सेसफुली क्रिएट हो जाएगा। इस तरह से आप जो है लिंक्डइन के अंदर आप अपना प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हैं, लिंक्डइन के अंदर अपना आईडी, अपनी प्रोफाइल क्रिएट करके जो है यहां पे बहुत सारा काम आप जो है कर सकते हैं। ऑनलाइन भी काम मिलेगा आपको, यहां पे आप अपने हिसाब से जो मन चाहे उस हिसाब से आप काम भी कर सकते हैं, एंटरटेनमेंट भी कर सकते हैं, और अपना कुछ भी शेयर करना चाहते हैं वो भी शेयर कर सकते हैं। आप अपने काम के लिए भी किसी को जो है हायर कर सकते हैं। यहां पे आपको ऑर्कर भी मिल जाएगा, यहां पे किसी भी काम के लिए, ऑनलाइन काम के लिए, ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए, एफिलिएट मार्केटिंग के लिए, ब्लॉगिंग के लिए, वेबसाइट के लिए, ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, कोई सा भी काम हो ऑनलाइन आपको यहां पे इस प्लेटफॉर्म में मिल जाएगा। और आप भी अगर खुद एज ए वर्कर, एज ए जो है वर्कर काम करने वाला बनकर काम करना चाहते हैं तो यहां पे बहुत सारा प्लेटफॉर्म है, आप भी जो है ना इसके थ्रू जो है काम कर सकते हैं। तो आई होप के फ्रेंड्स आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल वाले बटन को भी प्रेस कर दें। सो थैंक यू वेरी मच।